निकलना है हैदराबाद। मेरी सर्दी का वेलकम बैक टू स्मार्ट चैनल। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले से आगे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, उसके बाद हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। हम जा रहे हैं शूट पर। अभी खत्म नहीं होता हमारे भाई, इतने सारे पार्सल रिसीव हो चुके हैं ना, और टाइम ही नहीं मिल रहा था शूट वगैरह का, तो बस अब शूट पे जाएंगे। ये पीछे कुछ हाल ऐसा हो गया शूट के बाद, तो ये तो गाड़ी तो नहीं लगती, मुझे ड्राइंग रूम लगता है। और गाइस आगे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है और मैंने एक आउटफिट पहना हुआ है, दूसरा आउटफिट चेंज कर लिया है। अली ने मुझे गजरे दिखाए थे वो सामने। अभी घर जा रहे हैं, घर जाके आपको बताते हैं क्योंकि हमने अर्जेंट निकलना है हैदराबाद। क्यों निकलना है वो आपको अभी आगे जाके ही पता चलेगा। उसके लिए हमने जल्दी से तैयारी श्यारी करनी है, रात में ही हमने निकलना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर काम है। तो गाइस शूट के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पैकिंग में इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई हूँ, और जल्दी जल्दी मैंने शावर लिया, गीले बालों में मैं निकल आई हूँ। बस अब जा रहे हैं मम्मा के पास क्योंकि हमने लेनी थी अजरक कल के लिए, तो जरूरी थी, तो घर में अजरक मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा मम्मा आप फटाफट से निकाल के देना अजरक, तो बस अजरक लेते मम्मा के पास जाए क्योंकि कॉल्स आ रही है, तो सीधा हम घर की तरफ चलते हैं। घर पे आ गए हैं, लेकिन मैं ना वॉशरूम की स्लीपर पहन के आ गई हूँ। जब ये दो अजरक ही मिली है मुझे, जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, फिर आके साथ ले चलूँ। तो खाना खा रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है, और अमन और मैं आप मूँगफली खाते हैं, मुझे भी छील के खाया मैं, तो मन से अमन छील। और लो उसी में खा लो जल्दी जल्दी से। टूटी गई उठा लो, लेट्स गो। अम्मी हम जा रहे हैं, वे पे निकल चुके हैं, और तकरीबन हमने कितना रास्ता क्रॉस कर लिया, हाँ 15-20 मिनट हुआ, लेकिन अली की रफ्तार इतनी तेज ना, मुझे लगता है कि एक घंटे में अली पहुँचा देगा, क्योंकि वैसे 3 घंटे का सफर होता है कराची टू हैदराबाद। हाँ 1.5 घंटे का, वही मैक्सिमम 3 घंटे का, तो अली 1 घंटे में पहुँचाते हैं। और बस अभी हम निकल गए हैं, और जाके वहाँ पर देखते हैं कि हमने कहाँ रुकना है, और वैसे भी हमने सुबह कहाँ जाना है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। रास्ते के लिए कुछ मील लिया है अली, मुझे कुरकुरे बहुत पसंद, इसके बिना मेरा सफर नहीं होता है। गाइस फाइनली हम आ गए हैदराबाद, और आज के लिए ये हमारा रूम है, और हमने जाना है सुबह किसी काम से। आज इतना मज़े का अपना आउटफिट लिया है, जल्दी जल्दी मैंने हाइनिंग निकाला, मैंने कहा सर्दी हो रही है क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो मैंने जल्दी से हाइनिंग निकाला, जीन्स निकाली, ऊपर ये कोट नया बिल्कुल मैंने पहन लिया है। कुछ खाने जाएंगे, फ्रेश व्रेश हो जाए, देन उसके बाद हम कुछ खाने वाने जाते हैं। कहाँ घूम रहे हो? मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आई हुई, ये मैं रूम में ही बैठी हूँ, लेकिन ये जो मैंने गेटअप किया हुआ है ना, मुझे सर्दी बहुत लग रही है, सर्दी वाले माहौल में लग रहा है मुझे। क्या बोल रहे हो? एसी चलाने में। मैं यहाँ पर चादर ओढ़ के ब्लैंकेट में बैठी हूँ, और तुम एसी चलाओगे अली? दया एहसास नहीं है मेरी सर्दी का। गाइस हम लोग निकले थे कुछ खाना खाने, तो हमने सोचा कि हम किसी से आइडिया लें, तो हमने अपने दोस्त को साथ ले लिया है। हाय गाइस वेलकम बैक टू इस्मार्ट चैनल, कांग्रेचुलेशंस यू गाइस बिकम अ पेरेंट। ये चलो तो मैं कुछ ये बाद में पता चलेगा। भी नहीं है गाइस, अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे भी अपने व्लॉग में पहले भी बोल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या होगा। और बाकी अभी हम जा रहे हैं कहाँ की बिरयानी खाने, स्टेशन की बिरयानी, हैदराबाद का बिरयानी नहीं है, बहुत मशहूर पुलाव है यार, और तुम लोग खाओगे ना तुम लोग बोलोगे यार, बस तुम लोग क्या कराची वाले जो बीफ है चिकन है, चिकन बीफ भी होता है लेकिन थर्सडे को होता है। और यार मुझे तो बीफ भी खानी थी, लेकिन हम लोग पूछ लेंगे, हम लोग पूछ लेंगे बीफ मिलेगा, बीफ मटन मिलेगा, मटन चिकन मिलेगा। मुझे हैदराबाद का जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कढ़ाई अच्छी लगी, ब्रोई। अली तो सिर्फ कढ़ाई ही खाते हैं, देखो जो देसी लोग होते हैं ना, देसी लोग जो होते हैं ना, वो देसी आइटम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तुम क्या खाते? मैं भी ये कढ़ाई शढ़ाई ज्यादा, वो भी आप विश करें। हैप्पी बर्थडे, मैं क्यों करूँ, हैप्पी बर्थडे मलाइका। चलो अभी हमने कुछ खाना है, उसके बाद घर जाना है टाइम से, क्योंकि जल्दी हमें सुबह। आप मेरी छोटी बहन हो, आपको कभी भी ये तंग करे, ये छोटा भाई है, इसको अली को बताए, अली शराबता करे। ट्रेन है, मैं कहती हूँ ट्रेन में खाना दिख रहा है, और ये पता चला रेस्टोरेंट है, कोई कैफे है ये इस तरह का बना हुआ, कितना अच्छा ये है ना। कराची में भी ऐसे कोई जगह है शायद जहाँ पर ये स्टेशन में खाना मिलता है ना, सदर में। हाँ फाइनली आ गई हमारी स्टेशन की बिरयानी, अली ने अभी खाना नहीं है, तारन की आ गई है, अब बस स्टार्ट करते हैं, एंड बहुत मजे किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी बस मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, और जल्दी जल्दी मुझे तैयारियाँ करनी है, लेंस मैंने पहन ली है, बस मेकअप शेव करूँगी, ड्रेस पहनूंगी, और फिर चलेंगे जिसके लिए आए थे, जिस काम के लिए आए थे। ड्रेसेस मेरे वहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं,
मुझे डिसाइड नहीं हो रहा, तीन ड्रेसेस है लेकिन मुझे डिसाइड नहीं हो रहा कौन सा वेयर। मेकअप शेकअप ऐसे बिखरा हुआ है और मैं ऐसे। सो गाइज, मेकअप शेकअप हो गया है, बस मैंने इंतज़ार करना है एक कॉल का जिसमें मुझे बताया जाएगा कि आपने कौन सा ड्रेस वेयर करना है। मेरे पास तीन आउटफिट जैसे मैंने आपको बताया, और अब बस मैं नाइट सूट में मेकअप शेकअप करके बाल वाल बना के बैठ गई हूँ, फिर भी निकलेंगे। अली अभी तक सो रहे हैं। ये टीटी तो बंद करो इसका, कब से टीटी करके ना सर में दर्द किया है। अभी हम जा रहे हैं काम से, हम आए थे हैदराबाद तो हम उसके लिए जा रहे हैं, बस तैयार श्यार हो गए। व्हाइट थीम था, अली ने व्हाइट नहीं पहना क्योंकि अली को व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा था। अली ने कल व्हाइट पहन लिया था, अली का रोज रोज तो मैं व्हाइट नहीं पहन सकता, मैंने व्हाइट पहन लिया है। लेकिन साथ में मैंने ना अपना, मैंने अजरक लेनी थी, ये थीम था वहाँ का, तो मैं थीम के अकॉर्डिंग हुआ है। अली थीम के बिल्कुल अपोजिट है। बस अभी वहाँ पर चल रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ का इवेंट था, किस चीज़ का काम था। द मैचिंग का व्हाइट कलर का बैग ले लिया, शान शान लिया हमने, दिखाओ अपना। पार्किंग फुल है। इवेंट है जहाँ पर हम आए हैं, अली मुझसे आगे आगे, मतलब मुझसे आगे आगे, अली पीछे भूल ही गया खाने को देख के। खाना बीच रास्ते में खाना बन रहा था, अली की नज़र चली गई है और अली को लगी थी भूख क्योंकि हमें टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। बस अब यहाँ से एंट्री हो रही है, पता नहीं क्या अच्छी बात बात चल रही है। हमारे पास खैर बैंड है, क्या चल रहा है। तो मुझे ना बहुत शदीद भूख लगी और अब घर जाने का इंतजार है, हमारी आज दावत भी है गाइस। फाइनली शो से फ्री हो गए, पार्किंग में बैठी हूँ, गाड़ी हमारी बिल्कुल स्टक हो गई है, आगे पीछे तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जगह नहीं है निकलने की। बस अली निकलवाएं, उसके बाद हम लोग जाएं अपनी दावत अटेंड करें। सो गाइज, दावत वगैरह से फ्री हो गए, सब बड़े बैठे थे तो मैं बना नहीं पाई व्लॉग, और बातचीत में हम लोग इतना मसरूफ़ हो गए थे तो कोई व्लॉग का ख्याल ही नहीं रहा। अब बस हम लोग निकल गए हैं हैदराबाद के लिए, वापस हैदराबाद जाएंगे फाइनली। हैदराबाद जाएंगे, ओह सॉरी, कराची जाएंगे। कराची मेरे मुंह पे जबान भी यार हैदराबाद चढ़ा हुआ है। गाइस फाइनली मैं घर आ गई थी और व्लॉग एंड करने का ख्याल ही नहीं रहा। आप लोग जान नहीं सकते मेरी इतनी कोई टफ रूटीन हो गई है ना, जो व्लॉग्स आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मसरूफियात वाले हैं कि बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं घर में, तो वो भी आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।